मैं नरेंद्र सिंह, हम इस बिज़नेस को पिछले 21 साल से मशरूम ग्रोइंग का बिज़नेस कर रहे हैं। हमारे कंपनी का नाम है ट्राई स्टार एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जेसीबी लोडॉल जब से हमने 15 दिन से इस्तेमाल किया है, तो इसकी वजह से हमारा 80% लेबर का कट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस फास्ट हो गया है। कंपोस्ट की क्वालिटी पहले से बेटर हो गई है, क्योंकि इसमें आगे बूम की वजह से हम 10-15 हाइट तक कंपोस्ट को ले जाते हैं, और वहाँ से जैसे ही उसको हम शेक करके गिराते हैं, तो उसमें बेटर एरिएशन होने की वजह से हमको कंपोस्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है। और हमारा कम से कम इसमें 30-40% डीजल का सेविंग हो रहा है, सिर्फ फास्ट मूवमेंट होने की वजह से। जेसीबी 3DX में हमको सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, उसका जो रेडिएटर था वो फ्रंट में था और वो बार बार चोक हो रहा था और इंजन हीटअप होने के चांसेस बढ़ जाते थे। और इसमें सबसे अच्छी बात लोडॉल के अंदर ये है कि इसमें बैक साइड में रेडिएटर होने की वजह से इसमें चोकिंग ना के बराबर चोकिंग हमको देखने को मिल रही है, और इससे हीटअप होने के चांसेस ना के बराबर हो गए हैं। सबसे बढ़िया इसकी यूटिलिटी, मेरे को हम लोगों ने ट्रैक्टर अटैचमेंट यूज़ किए, हम लोगों ने जेसीबी रोबोट भी इस्तेमाल किया, 3DX भी इस्तेमाल किया, लेकिन लोडॉल इस्तेमाल करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है इससे बेटर मेरे ख्याल से ऑप्शन मशरूम फार्म के लिए मेरे हिसाब से हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को 21 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का।